तो सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से जब 80 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी की जो देश की नींव रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश अगर आगे बढ़ेगा तो डिजिटल इंडिया को बहुत तेजी से बढ़ना होगा। 5G के लिए उन्होंने कहा कि ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी आपको। जब ये बात कह रहे थे तो पारंपरिक भारत की जो छवि है खेती की उसको भी नहीं भूले। उन्होंने ये भी कहा कि आपको खेती अगर करनी चाहिए तो प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, उसके तमाम फायदे हैं। प्रधानमंत्री ने अलग अलग मुद्दों पर क्या क्या बातचीत की जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक झलक आप वो भी देखिए। पीएलआई स्कीम 1,00,000 करोड़ रुपया, दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब अजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचिज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कहकर के उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो प्रधानमंत्री जब आज अपनी स्पीच दे रहे थे तो उसके अंदर जो जो अहम अहम बातें थी जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातों का निचोड़ हमने आपके सामने रखा। क्योंकि